हेलो माय फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा रिड्यूसर बनाने का फार्मूला कोन। कोई इसे कोन कहता है, तो कोन बनाने के लिए फार्मूला क्या है। बहुत हमारे व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर रिक्वायरमेंट किए हैं बनाने के लिए प्लेट का। अगर प्लेट का आप बनाना चाहते हैं बेंड करके, तो कैसे बनाएंगे, बिल्कुल आसान फार्मूला मैं बताऊंगा आपको। कोई ज़्यादा इसमें टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो ये देखिए, स्मॉल बोर, ये जो हमारा ऊपर का रहेगा स्मॉल बोर रहेगा, ये कॉन्सेंट्रिक के बारे में बताऊंगा इसमें। ये कॉन्सेंट्रिक है, इससेंट्रिक नहीं रहेगा। तो ये स्मॉल बोर रहेगा, S4 स्मॉल बोर और B4 बिग बोर। और इसमें फार्मूला ये आपको लेना है, जो हम CF निकालने के लिए जो फार्मूला यूज करते हैं 3.142, ये फार्मूला आप यूज करिए। स्मॉल बोर हमारा जितना भी रहेगा, आप कितना इंच के बनाना चाहते हैं, 10 इंच, 8 इंच, 20 इंच, 40, जितना भी इंच आप ले लीजिए, उसका CF ले लीजिए। CF इंटू 4 और डिवाइड 3.142 करना है, और जो आंसर आएगा उसमें फिर 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, पहला हमारा स्मॉल बोर का। और बिग बोर का सेम वैसा ही करना है, इसका भी हम अपना CF ले लेंगे और CF इंटू 4 डिवाइड 3.142, और जो आंसर आएगा उसमें भी डिवाइड 2 कर देना है। ये इसका फार्मूला रहेगा और जो आंसर आएगा, अब उसको क्या करना है आपको, ये दोनों ही सेम रहेगा जितना भी आएगा। उसमें अब क्या करना है आपको, ये लेना है आपको 0.7071 इंटू ए इंटू 2, ये हमारा कोड लेंथ निकलेगा दोनों का। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसका मार्किंग करेंगे। तो फ्रेंड, जो मैं आपको कोड लेंथ के बारे में जो बताया, जो 0.701 जो मैं ये वाला कोड लेंथ आपको बताया, ये वाला फार्मूला लेना है हमको कोड लेंथ के लिए। यहाँ से और यहाँ तक का मार्किंग, कितना हम राउंडिंग पे हम इसको फिक्स करेंगे दोनों को, दोनों का कोड लेंथ आप निकालेंगे। यहाँ वाला जो दूरी आया था, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो दूरी आया था, उसके हिसाब से हम ये जो हमारा आया था, ये कोड लेंथ निकालने के लिए हम इसमें ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, 0.7071 इंटू ए इंटू 2। तो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोड लेंथ निकल जाएगा दोनों का। तो फ्रेंड, मैं आपको मैं ये मार्किंग करके दिखा दे रहा हूँ। मैं इसमें रिड्यूसर जो कोन मैं जो बनाऊंगा 2x4 का रहेगा। आप जितना इंच का चाहिए उतने इंच का आप मार्किंग कर सकते हैं। इसमें डिवाइडर का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, बिना डिवाइडर का आप मार्किंग कर सकते हैं। अगर छोटा है 2 इंच 4 इंच, तो 24 इंच या 12 इंच का डिवाइडर लेके आप मार्किंग कर सकते हैं। लेकिन अगर डिवाइडर नहीं है तो भी आप मार्किंग कर सकते हैं। ये 2x4 इंच का हमको बनाना है कोन। तो ये मैं आपको स्क्रीन पे फार्मूला बताया, CF ले लिया हूँ 2 इंच का, 189 इंटू 4 किया हूँ, तो इसमें आंसर आया हुआ है 756 और डिवाइड 3.142, आंसर 240 और 240 डिवाइड 2 120 हो गया। फिर ये जो बिग बोर है, इसका CF 358 है, जिसका 4 इंच का जो मैं इसमें 4 से इंटू किया, इंटू 4 1432 डिवाइड इसमें 3, ये इसमें डिवाइड हुआ है तो इसमें आंसर आया हुआ है ये वाला 455। फिर इसको डिवाइड 2 से किया तो 227, ये इसका आंसर आया हुआ है 4 इंच के लिए इतना, और 2 इंच वाले के लिए 120। और ये कोड लेंथ कहाँ पे यूज होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले ये दोनों हम मार्किंग करते हैं। तो सबसे पहले हम 227 वाला एक मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे, ये हमारा पॉइंट हो गया। और पॉइंट लेने के बाद एक हम लाइन डोरी से ऐसे एक सीधा लाइन खींच लेंगे। तो मैं अभी फिलहाल स्केल से खींच लेता हूँ लाइन। तो फ्रेंड देखिए, इस तरीके से ये लाइन होने के बाद ये पॉइंट है। हम यहाँ से 0 से भी पकड़ सकते हैं या 100 से आप पकड़िए। बिग बोर वाले का पहले मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा 227 यहाँ पे आ रहा है, ये वाला। हम पूरा इसमें ऐसे मार्किंग करते जाएंगे। एक आदमी इसको पकड़ के रखेगा और दूसरा आदमी इसको घुमा के ऐसे। इस तरीके से उधर मारने के बाद फिर हम इधर भी ऐसे मार्किंग कर लेंगे। ऐसा मार्किंग होने के बाद अब इसमें आपको ये जो कोड लेंथ है 321 जो आया हुआ, हम ये वाला मार्किंग करेंगे 321, 0.7071
इंटू 227 जो ये आंसर आएगा, और इसमें इंटू 2 कर देना है तो जो आंसर आएगा वो हमारा कोड लेंथ होगा 321 mm। तो हम इसमें देखेंगे कि हमारा 321 mm कहाँ पे मैच हो रहा है। ये देखिए 321 और 321 का हाफ कितना होगा, और 321 mm यहाँ पे हमारा मैच हो गया, हाफ यहाँ पे मैच हो गया और फुल यहाँ पे मैच। तो हम ऐसे यहाँ पे एक मार्किंग कर देंगे, ये हो गया हमारा 321 का, ये हो गया, ये पॉइंट मिल गया, ये हमारा कोड लेंथ हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, 120 तो हम यहाँ से लेंगे 120, देखेंगे 120 यहाँ पे आ रहा है। ये राउंड में हम मार्किंग करते जाएंगे, ऐसा मारने के बाद अब इसमें जो हमारा ये कोड लेंथ आया हुआ है तो 169 इसका कोड लेंथ है। तो 169 हम देखेंगे कहाँ पे हमारा मैच हो रहा है, ये देखिए 169, ये देखिए यहाँ पे हो गया 169 और ये 85 मैच हो गया। ये होने के बाद हम क्या करेंगे, ऐसे एक सीधा ऐसे से हम लाइन खींच देंगे। तो इस तरीके से ये मार्किंग करने के बाद ये देखिए ये हमारा जो कोड लेंथ जो मिला था यहाँ पे 321 mm रहेगा ये वाला लेंथ, और ये वाला जो कोड लेंथ रहेगा वो 169 रहेगा। इसका फार्मूला ये वाला है, देख सकते हैं स्क्रीन पे भी मैं आपको दिखा दिया हूँ। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड इसको हम इस तरीके से इसको हम चिपका देते हैं। तो फ्रेंड देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल आसानी से ये कोन बन गया, ये जो है 4 इंच का रहेगा आप देख सकते हैं। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये 4 इंच का, और इधर का जो रहेगा ये 2 इंच का है। तो ये बिल्कुल आसानी से कॉन्सेंट्रिक कोन जो है बन गया। मैं आपको जो बताया इसका बिल्कुल इजी फार्मूला है, तो आप इस तरीके से आप कोन बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा, इस तरीके से लाइक बटन नीचे उसे आप दबा कर हमको बताइए, और इस तरीके से एक रेड बटन होगा नीचे सब्सक्राइब का, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिल जाए।